हेलो स्टूडेंट्स, बीएससी सेकेंड ईयर इनऑर्गेनिक में हम लोग पढ़ेंगे कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स। मैं हूं एसके वर्मा और ये आपकी थर्ड यूनिट है, पेपर वन इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री यूनिट थर्ड, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स। तो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स के बारे में आप लोग पहले भी पढ़ चुके हैं क्लास ट्वेल्थ में, वहां पर एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन आपका हो चुका है कि कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स होते क्या हैं। और यहाँ पर उसी चैप्टर का थोड़ा सा एक्सटेंशन है और आपको कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री के बारे में और एक्स्ट्रा पढ़ने को मिलेगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स के बारे में। तीन यहाँ पर एग्जाम्पल आपको दिख रहे होंगे कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स के, ये तीन इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है। एक है क्लोरोफिल, एक है हीमोग्लोबिन और एक है विटामिन B12। तो ये तीनों कितने इंपॉर्टेंट कंपाउंड हैं, आप लोग सेकेंड ईयर में हो ये बताने की जरूरत नहीं है। यहां पर इंपॉर्टेंट ये है कि ये तीनों कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स हैं। विटामिन B12 कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है कोबाल्ट मेटल का, हीमोग्लोबिन कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है आयरन का, और क्लोरोफिल एग्जाम्पल है मैग्नीशियम का। तो इसका मतलब ये तीनों लाइफ लीडिंग कंपाउंड है और ये तीनों कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है। इस बात से हम ये अंदाजा लगा सकते हैं कि कोऑर्डिनेशन कंपाउंड नेचर के लिए या हमारी लाइफ के लिए, लिविंग लाइफ के लिए कितने ज्यादा इंपॉर्टेंट हैं। तो सबसे पहले कोऑर्डिनेशन टर्म का मतलब समझते हैं, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स का ओरिजिन क्या है और बाकी कंपाउंड से ये अलग कैसे हैं। इसके लिए सबसे पहले हम लेते हैं एडिशन कंपाउंड। एडिशन कंपाउंड्स वो होते हैं जो दो या दो सॉल्ट से मिलकर के बनते हैं, उनके एडिशन से बनते हैं। दो या दो सॉल्ट्स के एडिशन से ये बनते हैं, उनको हम लोग एडिशन कंपाउंड कहते हैं। और एडिशन कंपाउंड दो तरह के होते हैं, एडिशन कंपाउंड एक तो डबल सॉल्ट और एक होता है कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। डबल सॉल्ट वो होते हैं जो जिनका हम लोग जिनको वाटर में यदि सॉल्यूशन उनका बनाते हैं तो वे 100% आयोनाइज्ड हो जाते हैं, मतलब वो अपने आयन्स में टूट जाते हैं, उनको बोलते हैं डबल सॉल्ट। जैसे कार्नेलाइट है या आपका फिटकरी है, पोटास एलम, ये जो टोटल देखिए किस किस से, इसका फॉर्मूला क्या है, ये एक तो पोटेशियम सल्फेट, एल्यूमिनियम सल्फेट, इनसे मिलकर के ये बनता है। तो जैसे ही इसको वाटर में डालते हैं तो अब इसमें आयन्स कितने होने चाहिए, आप लोग अंदाजा लगाइए कितने आयन्स होने चाहिए। पोटेशियम के दो आयन है, एक सल्फेट का है, एल्यूमिनियम के दो आयन है और यहां सल्फेट के तीन है, तो टोटल सल्फेट के चार, एल्यूमिनियम के दो और पोटेशियम के दो, ये आयन सेपरेट हो जाते हैं, इसे कहते हैं डबल सॉल्ट, जो अपने कॉन्स्टिट्यूएंट आयन्स में टूट जाता है व्हेन वी मेक इट्स सॉल्यूशन इन वाटर। दूसरा एग्जांपल लेते हैं मोर सॉल्ट का, फेरस अमोनियम सल्फेट, ये काफी फेमस सॉल्ट है, प्रैक्टिकल्स में हम इसको यूज लेते हैं टाइट्रेशन वगैरह में। तो मोर सोल्ट देखिए किस किस से मिलकर बना होता है, इसका कंपोजिशन है FeSO4 प्लस अमोनियम सल्फेट प्लस 6H2। जैसे ही वाटर में इसको डालेंगे Fe और SO4 और NH4, ये तीनों आयन हैं, ये सेपरेट हो जाते हैं। तो डबल सोल्ट क्या हुए, डबल सोल्ट वे एडिशन कंपाउंड हैं जो एक या एक से अधिक, दो या दो से अधिक सोल्ट्स आयनिक कंपाउंड से मिलकर बनते हैं और जैसे ही उनको हम लोग वाटर में डिजोल्व करते हैं वो अपने आयन्स में टूट जाते हैं, उनका 100% आयोनाइजेशन हो जाता है। इसका मतलब है कि ये जो इंडिविजुअल कॉन्स्टिट्यूएंट आयन्स हैं, पोटेशियम सल्फेट एल्यूमिनियम, ये अपनी आइडेंटिटी मेंटेन करते हैं एक्वस सोल्यूशन में, एक्वस सॉल्यूशन में अपनी आइडेंटिटी मेंटेन करते हैं। कहने का मतलब ये हुआ कि यदि मोर सोल्ट को हम लोग वाटर में डिजोल्व करेंगे
वाटर में डिजोल्व करने के बाद में यदि हम लोग अमोनिया का टेस्ट करेंगे उसमें, तो वो अमोनिया का टेस्ट पॉजिटिव आएगा, क्योंकि NH4+ यहाँ पर अब सेपरेट आइडेंटिटी शो कर रहा है, वो सेपरेट हो गया है, आयोनाइज्ड हो गया है। इसी तरह से सल्फेट का टेस्ट करेंगे वो भी पॉजिटिव आएगा, और Fe का टेस्ट करेंगे वो भी पॉजिटिव आएगा, क्योंकि एक्वस सॉल्यूशन में ये सभी आयन्स सेपरेट हो गए हैं। इसका कंपेरिजन करते हैं कोऑर्डिनेशन कंपाउंड से, डबल सोल्ट का कंपेरिजन कोऑर्डिनेशन कंपाउंड से। इसमें इम्पोर्टेंट बात यही है कि जब इसका एक्वस सॉल्यूशन बनाते हैं तो ये आयोनाइज नहीं होते हैं। इसका मतलब ये हुआ, यदि कोई कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है A+B+C, ए और बी और सी, इन तीनों को मिलके कोई कोऑर्डिनेशन कंपाउंड बनता है, तो हम उसमें यदि उसके एक्वस सॉल्यूशन में ए बी और सी तीनों सेपरेट नहीं होंगे, ये अपनी अलग आइडेंटिटी शो नहीं करेंगे। जैसे यहां पर अमोनियम आयन और Fe2+ आयन ये अपनी आइडेंटिटी शो कर रहे हैं और इनका टेस्ट पॉजिटिव आ रहा है, यहां पर यदि हम ए बी और सी का टेस्ट करेंगे तो वो निगेटिव आएगा, क्योंकि यहां पर ये सेपरेट नहीं होते हैं। इसका मतलब है कोऑर्डिनेशन कंपाउंड एक्वस सॉल्यूशन में आयोनाइज नहीं होता है, अपने आयन्स में नहीं टूटता है, वो आयन्स जिस तरह से सॉलिड स्टेट में एक दूसरे से बाउंड होते हैं उसी तरह से एक्वस सॉल्यूशन में भी रहते हैं, और एक्वस सॉल्यूशन में वो आयन्स अपनी फ्री आइडेंटिटी शो नहीं करते हैं। इसका एग्जाम्पल हम यहां पर लेते हैं, एग्जाम्पल ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, ये हमारा फेरस ये K4FeCN6 है। इसमें देखिए इसका कंपोजिशन क्या है, इसमें पॉजिटिव आयन है K+ और निगेटिव आयन है FeCN6-4-। ये निगेटिव आयन है, ये हमारी यहां कोऑर्डिनेशन एंटिटी है, जो भी कोऑर्डिनेशन कंपाउंड होता है कोऑर्डिनेशन एंटिटी होती है उसे हम स्क्वायर ब्रैकेट में बंद करते हैं, तो ये यहां पर हमारी कोऑर्डिनेशन एंटिटी है। इसमें Fe सेंट्रल मेटल एटम है और CN6 लिगेंड्स हैं जो कोऑर्डिनेशन बॉन्ड से इससे बंधे हुए हैं। यदि हम इसको वाटर में डिजोल्व करते हैं तो, और वाटर में डिजोल्व करने के बाद में Fe और CN आयन का टेस्ट करते हैं तो वो निगेटिव आएगा। टेस्ट ये बताएगा कि इस सॉल्यूशन में Fe और CN नहीं है, क्योंकि कोऑर्डिनेशन कंपाउंड एक्वस सॉल्यूशन में डिफरेंट आयन्स में टूटते नहीं है, आयोनाइज नहीं होते हैं, वो एक्वस सॉल्यूशन में भी इसी फॉर्मेट में रहते हैं, इसलिए Fe का इंडिविजुअल टेस्ट करेंगे वो भी निगेटिव आएगा और CN का इंडिविजुअल टेस्ट करेंगे वो भी निगेटिव आएगा। तो ये थे कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, आपको डिफरेंस पता चल गया होगा डबल सोल्ट में और कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड एक्वस सॉल्यूशन में अपनी आइडेंटिटी मेंटेन करते हैं और मतलब वो आयन्स में नहीं टूटते हैं, जबकि डबल सोल्ट के जो आयन्स हैं वो एक्वस सॉल्यूशन में डिजोल्व करते ही अलग अलग हो जाते हैं और अपनी आइडेंटिटी शो करते हैं, डिफरेंट आइडेंटिटी शो करते हैं। ये होते हैं कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स। अब हम बात करेंगे कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स की परिभाषा और कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स के जो अलग टर्म्स हैं वो अगले उसमें लेक्चर में बात करेंगे। आज के लिए इतना ही, उम्मीद करता हूं आप लोग PDF देख रहे हैं और पढ़ते जा रहे हैं। थैंक यू वंस अगेन।